वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है सिनर्जी। सबसे पहले सिनर्जी का मीनिंग बताती हूँ। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, जब भी दो ऑर्गेनाइजेशन या दो बिजनेस कंबाइन होते हैं, आपने सुना होगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन बोलते हैं इसको, कि जब दो बिजनेस मर्ज होते हैं आपस में या फिर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेता है, तो सिनर्जी इसी एक टर्म में यूज किया जाता है। जब हम कहते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन या हम दे देते हैं कंपनी, कंपनी ए और कंपनी बी, जब इन दोनों का एड करके जो वैल्यू होता है, यानी कि जो इसकी कंबाइंड वैल्यू है, जो इसकी कंबाइंड परफॉर्मेंस है, वो ज्यादा है अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल कंपनी की। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी ए की परफॉर्मेंस की एज इंडिविजुअल, और अगर हम बात करें दो कंपनीज की जोड़कर कंबाइन होकर, तो उनकी वैल्यू, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इस कंसेप्ट को बोला जाता है सिनर्जी। सिनर्जी कॉमनली मर्जर एंड एक्विजिशन में ही यूज किया जाता है। इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, जब भी कंपनीज को इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, एक तो उनके रिवेन्यूज जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे जब दो कंपनीज आपस में जुड़ जाएंगी। दोनों कंपनीज में जो भी टैलेंट है वो कंबाइंड टैलेंट हो जाएगा, जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे, पर्सनल ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और क्या बेनिफिट होगा, टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट होगा, तो कंबाइंड टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी दोनों कंपनीज की, और इससे हमारा जो कॉस्ट रिडक्शन है कंपनीज का वो भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि अगर एक कंपनी किसी चीज, कोई चीज बनाने में, कोई प्रोडक्शन बनाने में अच्छी है, और दूसरी कंपनी को वो मशीनरी लेने में दिक्कत होती है, अब क्या होगा, जब दोनों कंपनीज कंबाइन हो गई तो उनका कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी और उनके रेवेन्यूज भी बढ़ जाएंगे। रेवेन्यूज कैसे बढ़ेंगे, सेल बढ़ जाएगी तो रेवेन्यूज भी बढ़ जाएंगे। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी। अब हमारे सिलेबस में इसके टाइप्स ऑफ सिनर्जी है, तो आइए उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो आई एम राइटिंग सम कॉमन टाइप्स ऑफ सिनर्जीज। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सिनर्जी वी आर लुकिंग इनटू इज रेवेन्यू सिनर्जी। इसका मतलब होता है कि जब भी कंबाइंड सेल देखी जाए दो कंपनीज की, तो रेवेन्यू ज्यादा होता है। तो हम देखें, अगर कंबाइंड सेल्स है वो ज्यादा होगा किसी भी इंडिविजुअल कंपनी की सेल से, तो यहाँ पे एक रेवेन्यू सिनर्जी का बेनिफिट आ जाता है कि हमारे रेवेन्यू ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सिनर्जी है कॉस्ट सिनर्जी। कॉस्ट सिनर्जी में क्या होगा, जो कॉस्ट है उसका रिडक्शन होगा, इससे काफी टैक्स बेनिफिट्स आएंगे, हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बेनिफिट होगा, मार्केटिंग में बेनिफिट होगा, तो इसमें हमारे कॉस्ट रिडक्शन के बेनिफिट्स आएंगे। देन थर्ड टाइप ऑफ सिनर्जी इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल सिनर्जीज में सबसे ज्यादा बेनिफिट, जो फाइनेंशियल एडवांटेज होता है, वो उन स्टैंड अलोन कंपनीज को होता है जो अकेले बिजनेस चला रही हैं, लेकिन अगर वो कंपनीज वो मिडिल टाइप की, या मिडिल आप समझ लीजिए मिडिल रेवेन्यूज की कंपनीज अगर साथ में जुड़ जाए, तो वो कितना ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल एडवांटेज मिलता है उन कंपनीज को जो कि स्टैंड अलोन कंपनीज हैं। स्टैंड अलोन कंपनीज को काफी ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलता है। देन वी हैव फोर टाइप ऑफ सिनर्जी इज मार्केटिंग सिनर्जी। हो सकता है आपको अलग अलग बुक्स में और भी ज्यादा सिनर्जीज मिल सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली जो हम पढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिनर्जीज हैं। मार्केटिंग सिनर्जीज की बात करते हैं, जब भी हमें कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, अगर दो कंपनी साथ में मिलकर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप बात करें फोर पीस की, ठीक है, जिसमें हम प्रमोशन की बात करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, प्राइसिंग की बात करते हैं, तो कितना अच्छा होगा अगर दो कंपनी साथ में मिलकर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगी।
और उस प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलेगा, उसकी सेल्स होगी तो हमें रेवेन्यू बेनिफिट्स भी होंगे, जब उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा तो टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स मिलेंगे, टैलेंट कंबाइंड टैलेंट्स मिलेंगे और इससे रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे। तो तभी सिनर्जी का इतना ज़्यादा बेनिफिट मर्जर एंड एक्विजिशन के कंटेक्स्ट में देखा जाता है। अब हम इसके एवेल्युएशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम सिनर्जी को एवेल्युएट कैसे करते हैं। सो देर आर डिफरेंट वेज जो हम यूज करके सिनर्जी को एवेल्युएट कर सकते हैं। सिनर्जी को एवेल्युएट करने के लिए ये बेस्ड होता है जो भी मर्जर एंड एक्विजिशन की वैल्यू क्रिएट होती है उस पे। तो सबसे पहला वे जो है जिसमें हम एवेल्युएट कर सकते हैं वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसका मतलब कि कैसे बिजनेस, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी बिजनेस अपने रिसोर्सेज को कैसे उस ऑपरेशन में यूज करता है, जो भी उसका बिजनेस है, जो भी उसका काम है, उसको वो कैसे ऑपरेट करता है। तो क्या एबिलिटी है उस कंपनी की कि वो अपने रिसोर्सेज को अपने ऑपरेशन में डालता है इन इट्स ऑपरेशन। ये होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सेकेंड टाइप ऑफ एवेल्युएशन है जैसे कि प्राइजिंग पावर। प्राइजिंग पावर में क्या क्या चीजें आती हैं? प्राइजिंग पावर में आती है हमारी कि हम कैसे हमारे कंपटीशन को, जो हमारा जो भी कंपनी का, क्योंकि सारे कंपनीज कंपटीशन में लड़ रहे हैं आज के एनवायरमेंट में, तो हम कैसे हमारे कंपटीशन को रिड्यूस करें और हमारा मार्केट शेयर बढ़ाएं। जो मर्जर एंड एक्विजिशन है वो मार्केट शेयर को बढ़ाने में और कंपटीशन को रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वे है। उसमें प्राइजिंग पावर का एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि ओयो रूम्स, उन्होंने एक्वायर किया जू रूम्स को, तो इससे क्या हुआ, ओयो रूम्स का क्या बेनिफिट हुआ? एक तो उनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ गया, ठीक है, और जो उनका एक बहुत बड़ा कंपटीशन था वो उन्होंने उसी को एक्वायर कर लिया, तो वो कंपटीशन बनने से पहले ही, या वो कंपटीशन को रिड्यूस कर दिया उसने उसको एक्वायर करके। देन थर्ड वे ऑफ एवेल्युएटिंग सिनर्जी इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि कोई भी कंपनी कैसे अपना कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है और कैसे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है, उसका स्केल बढ़ा रही है, उसकी एबिलिटी पे हम उसको एवेल्युएट करते हैं। तो आप इसमें याद रख सकते हैं एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट एंड इंक्रीज इट्स से स्केल ऑफ राइट। फोर्थ टाइप ऑफ एवेल्युएशन स्ट्रेटजी इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई होप आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मीनिंग पता हो, हमने ये लास्ट वीडियोज में भी डिस्कस किया है, आपके पहले यूनिट्स में भी है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसा एडवांटेज होता है जब भी बिजनेस किसी चीज में एक्सेल करती है अपनी परफॉर्मेंस में और वो बाकियों से बेटर होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक एग्जाम्पल लें, जैसे मैकडी है, इतने सारे बर्गर के आउटलेट्स होते हैं, इतने सारे कंपनीज हैं जो बर्गर्स बेचती हैं, बिजनेसेस हैं, तो लेकिन तब भी जो मैकडोनल्ड्स है उसका एक क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी अपनाता है जिसमें वो लो प्राइस पे आपको अच्छी क्वालिटी के बर्गर्स प्रोवाइड करता है। तो उसका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसमें वो अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे एक कैसे नीचे कर रहा है और अपने आप का, अपने सेल का इंक्रीज हो रहा है उसके। तो उसके पास ये एक ऐसा एडवांटेज है जिसमें वो अपने कंपटीशन को रिड्यूस करता है और बेनिफिट्स लेता है। फोर्थ टाइप ऑफ एवेल्युएशन स्ट्रेटजीज आर फिफ्थ टाइप ऑफ एवेल्युएशन स्ट्रेटजीज आर इट कैन बी एनीथिंग। इफ यू टॉक अबाउट टैक्स बेनिफिट्स कि कैसे कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स हो रहे हैं, आप उसमें सिनर्जी को एवेल्युएट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट में आप अदर्स ले सकते हैं, जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं कंपनीज को, कंपनीज कैसे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है, आप इससे सिनर्जी को भी एवेल्युएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं, ये बस कॉमनली यूज्ड या जो मैं
बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट एवेल्युएशन स्ट्रैटेजीज और वेज मैंने बताए, और अगर आपको ऐसे बहुत सारे वेज आपको मिल सकते हैं जिसको आप अदर्स पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू कॉलेज ट्यूटर।